और अब आपको दिखाते हैं लालू यादव का एक और रंग। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने 25 जुलाई को रैली करने की बात कर रहे थे, तभी भीड़ से आवाज आई कि 25 जुलाई को तो पीएम मोदी की रैली है, फिर क्या था। लालू यादव ने बिना किसी देरी के अपना फैसला सुना दिया, 25 की रैली कैंसिल। पूरा सारा बिहार ठप रहेगा, एम्बुलेंस किसी के बच्चा को विद्यालय जाने से नहीं रोकेगा, रेल नहीं रोकेगा, पूरा बिहार हमारा बंद रहेगा। अब जब तक हमारा रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करते हो तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप 25 के बाद अब फिर आंदोलन बताते आज मोदी जी आ रहे हैं तो उससे बातें करें, आ रहे तो सुन रहे क्या होने वाला है बिहार में, आ रहे मोदी जी का और वही रोके हुए हैं तो आ रहे हैं, और सकता कि निकल जा तो 25 के बाद हम देख के आवेना उत्तर। लालू जी कहते हैं अच्छा मोदी जी आ रहे तो उनको भी सुन लेते हैं। वाह, दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। महज 2 कमरों में सिमटे क्लिनिक को पीरागढ़ी कैंप से शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार अगले 1 साल में करीब 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का दावा कर रही है और वो भी मुफ्त में। छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, इसलिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सर, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक तस्वीरों में देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ होगा इसमें और किस तरह की ये पहल? ये मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर लोगों को जरूरत है। जैसे सबसे पहले हम दिल्ली के अंदर फर्स्ट फेज के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। हमारा टारगेट वैसे 1000 का है पर इस फाइनेंशियल ईयर में 500 हम खोल देंगे। और सबसे पहले हम खोलेंगे जैसे झुग्गी बस्तियाँ हैं, जे क्लस्टर्स हैं, विलेजेज हैं, नथाई कॉलोनीज हैं, जहाँ पर जनता फ्लैट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए मतलब पहले तो किराया लगाना पड़ता है, 3-4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है, आने जाने में 50 रुपये किराया लग जाता है। फिर कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि उनको एक दिन तो दिखाने में ही लग जाता है, दूसरे दिन टेस्ट कराने में लगते हैं, और कई बार तो 3-3 दिन भी लग जाते हैं एक बीमारी को ठीक मतलब दिखाने से के लिए। और दूसरा हमारे हॉस्पिटल्स में भी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को जो रोज़मर्रा की बीमारियाँ हैं उनको ट्रीट करने में उनका ज़्यादातर समय वेस्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो OPDs दिल्ली गवर्नमेंट अब लगभग अस्पतालों के अंदर 2 करोड़ OPD करती है एक साल के अंदर, 2 करोड़ लोगों को देखा जाता है, तो हमारा टारगेट है इस मोहल्ला क्लिनिक्स के थ्रू हम 2 करोड़ OPD करेंगे, जिससे कि अस्पतालों का जो 2 करोड़ का लोड है वो हमें आशा है कि वो आधा रह जाएगा, 1 करोड़ रह जाएगा। एक तो अस्पतालों के अंदर भीड़ भाड़ कम हो जाएगी, दूसरा इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर होंगे। अगले सवाल पे ही आ रहा हूँ, कह रहे हैं आपकी OPD पे लोड कम हो जाएगा, कितने ऐसे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मिलेंगे और कहाँ कहाँ? अगर बात करें हम पीरागढ़ी में अभी देखने मिल रहा है, इसके अलावा किस जगह में ये देखने के लिए मिला, लोग अगर जानना चाहें तो कहाँ इसकी शुरुआत होने जा रही है, कौन सी ऐसी जगह है? अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक बनाया गया है, उसको पायलट प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि इसके अंदर जो खामियां हैं, जो जो चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, हमने कॉन्सेप्ट बनाया, उस कॉन्सेप्ट को पहले ट्रायल रन करना जरूरी है। ट्रायल रन नहीं करेंगे, हमने 500 बना दिए और 500 में ही भी कमी आ जाती है, तो हम पहले कहते हैं एक बनाया है उसके अंदर इसको थोड़े दिन चला के देखना चाहते हैं। हम ऑलरेडी वहाँ पर पेशेंट्स को देखना स्टार्ट कर दिया है, एक डॉक्टर है वहाँ पर, और लगभग 120-125 मरीज रोज आ रहे हैं एक क्लिनिक के अंदर, 100 से ऊपर मरीज डेली आ रहे हैं। उसके अंदर डॉक्टर हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी की जाती है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, और जो रोज़मर्रा के टेस्ट हैं वो टेस्ट भी वहीं पर किए जाते हैं।